हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस ऐलाने चुनाव के बाद से भाजपा नेता सांचौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और विधानसभा चुनाव 2018 में सांचौर क्षेत्र से प्रत्याशी रहे भाजपा नेता दानाराम चौधरी के सांचौर आगमन पर हजारों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के 4 रास्ता पर भव्य स्वागत किया। लोगों ने ढोल बजाकर तो पटाखे छोड़कर गर्मजोशी से स्वागत भी किया। भाजपा के नेता जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी गुजरात के अहमदाबाद से नेनावा विरोल प्रतापपुरा होते हुए सांचौर 4 रास्ता पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने जीवाराम चौधरी आगे बढ़ो के नारे भी लगाए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ गया। काफिले के साथ करीबन 200 गाड़ियां थी। विधानसभा सांचौर से भाजपा के सांसद देवजी एम पटेल को टिकट मिलने के बाद दावेदारी जता रहे वरिष्ठ भाजपा नेता जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी का टिकट कटने के बाद दोनों अब एक होकर सांचौर पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ गया और लोगों ने भव्य स्वागत किया। राजनीतिक गलियारों में अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी एक होकर सांचौर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। नवरात्र में वापस कार्यकर्ताओं की महापंचायत बुलाकर निर्णय लेने की संभावना है, जिस पर कांग्रेस और भाजपा की कड़ी नजर है। पिछली बार भाजपा के दानाराम चौधरी को पार्टी का टिकट दिया, पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी की टिकट काट दी गई। जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय ताल ठोक दी। जीवाराम चौधरी ने 50,000 वोट लेकर भाजपा को चुनौती दी। लोगों में जीवाराम चौधरी का भारी क्रेज है। 2008 में जीवाराम चौधरी निर्दलीय चुनाव भी जीत चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बार क्या होता है। शुक्रवार को सांचौर की जनता ने दोनों नेताओं को सिराखों पर बिठाकर भव्य स्वागत किया। जागरूक टीवी के लिए राजस्थान से खास रिपोर्ट।